फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। जो लोग कोरोना से नहीं मरे, क्या वह इस सरकारी सिस्टम के हाथों मारे जाएंगे? संक्रमित लोगों को जहां क्वारंटाइन किया जा रहा है, वहां के हालात कोई देखने वाला नहीं है। साफ आरोप लग रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं जबकि वहां हो कुछ और रहा है। मेरठ के विजय गर्ग की कोरोना इलाज के अभाव में हुई मौत के बाद गाजियाबाद के लोनी निवासी एक व्यक्ति का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, बता रहा है कि सरकारी दावों की सच्चाई क्या है। मेडिकल कॉलेज व सुभारती मेडिकल कॉलेज में रोजाना ही ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो संक्रमित मरीजों की दुर्दशा बयान करने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन सच पर यह कहते हुए पर्दा डालने की कोशिश की जाती है कि अमुक मरीज अथवा उसके तीमारदार बिरयानी मांग रहे थे, जबकि वहाँ जो खाना उन लोगों को दिया जा रहा है वह किसी भी दृष्टि से एक मरीज के खाने योग्य नहीं कहा जा सकता। ऐसे हालातों के कारण ही मरीज या तो भाग रहे हैं या फिर मौजूदा सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जिसे बगावत कहा जा रहा है। आइए पहले देखते हैं वह वीडियो। मैं मनीष कुमार तिवारी, लोनी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, उत्तरांचल कॉलोनी, जिला गाजियाबाद हमारा क्षेत्र लगता है। मेरी वाइफ अभी कल कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जो पहले से कैंसर पीड़ित है, इलाज चल रहा था राजीव गांधी में, और उसको यहाँ से आज रात 1:30 बजे करीब लेके गए और वो वहाँ पहुँची है और उसे वहाँ अभी तक कोई खाना पानी नहीं मिला है। वहाँ ना रहने की सुविधा है, कुछ नहीं है वहाँ पर। उसने वीडियो कॉल से मुझे दिखाया, ना वहाँ पे लेटरिन की सुविधा है, ना वहाँ कोई बाथरूम की सुविधा है। बस अंदर जाते फर्स्ट फ्लोर पे जब गई, वहाँ कुछ नहीं था, सेकंड पे भी कुछ नहीं था। उसने वीडियो कॉल मुझे रात पे किया, वहाँ पे देख के घबरा गई, वो कोई भी नहीं था। फिर नीचे भाग के आई तो एक आदमी मिला, उसने बताया ऊपर चले जाओ थर्ड फ्लोर पे, वहाँ होगा। वहाँ थर्ड फ्लोर पे गई तो एक नर्स थी सिर्फ, और एक वार्ड में बहुत सारे जब पेशेंट वहाँ पे पेशेंट बैठे हुए हैं, लेटे हुए थे, और वो वहाँ पे लेट गई। जब वहाँ पे क्या ना, अभी तक सुबह हो गई है ना, उसे कोई खाना है, ना कोई पानी है, ना कोई दवाई है, लेटरिन बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। मैं सिर्फ यही गुजारिश चाहता हूँ कि सर मेरी वाइफ को बचा लीजिए सर, पहले से बहुत परेशान है वो कैंसर पीड़ित है, कोरोना के उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है। हमने तो सर्जरी के चलते टेस्ट कराया था, डॉक्टर ने लिखा था टेस्ट, और टेस्ट कराया तो मैंने गवर्नमेंट को अपने आप फ़ोन करके बुलाया कि सर हमारी हेल्प करो। हेल्प का ये नतीजा कि उसे ऐसी जगह डाल दिया कि वो बच नहीं सकती है, वो ना होते हुए मर जाएगी सर। मैं योगी आदित्यनाथ से और मोदी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ उसे बचा लीजिए सर। आनंद श्री तिवारी नाम है उसका, मेरठ में उसको शिफ्ट किया है, और बल्कि मैं हम यहाँ लोनी के रहने वाले हैं, उसे शिफ्ट लोनी में किया है, वहाँ पे मेरठ में सरदार वल्लभ भाई मेडिकल कॉलेज थर्ड फ्लोर पे। वहाँ कोई सुविधा नहीं है, सुबह से उसे कुछ खाने को भी नहीं मिला है अभी तक। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि थोड़ा अलर्ट हो सर, प्लीज़, दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं सर, प्लीज़ सर। वीडियो वायरल होने के बाद क्या स्वास्थ्य विभाग हरकत में आएगा? प्रशासनिक अफसर क्वारंटाइन सेंटरों का जायजा लेंगे अथवा उन्हें रहमोकरम या फिर यूं ही मरने के लिए छोड़ देंगे? विजय गर्ग ने भी मौत से पहले कितने लोगों को कोरोना बांटा होगा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ जरूर यह कहा जा सकता है कि कोरोना के लक्षण मिलने पर यदि उन्हें आइसोलेट किया जाता तो हालात इतने सोचने नहीं होते। गंभीर बात यह है कि अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि भाजपा महानगर अध्यक्ष के संदेह के दायरे में आने पर उनके लिए विशेष व्यवस्था कर दी गई, यहाँ तक कि उनके संपर्क में आए तमाम लोगों के टेस्ट की भी अलग से व्यवस्था की गई, लेकिन आम लोग अब वीडियो बनाकर ही वायरल कर पा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर क्यों उन्हें वह हक नहीं दिया जा रहा जिसके वे हकदार हैं। आज इस खबर में इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।